हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज सिक्स सेमेस्टर वालों का ऑफलाइन एग्ज़ाम था और सिक्स सेमेस्टर में खासकर प्रोफेशनल एथिक्स का एग्ज़ाम था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया मुझे, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उनसे सारे क्वेश्चन बन गए। टोटल 5 क्वेश्चन बनाने थे और 5 क्वेश्चन जो है आराम से बन गए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो मेरे नोट्स से आपसे बन ही जाएँ, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर नोट्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि मैंने जो नोट्स में जितने भी टॉपिक्स को कवर किए हैं, जितने भी केसेस को कवर किए हैं, उन सबको पढ़ के जाएँ, उसमें से एक भी ना छोड़ें। उन सबको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 5 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे। और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट तीनों को मैंने एक साथ समाहित करने की भी कोशिश की है, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि चूँकि हमारा जो सिलेबस है वो केस मैट है और केस मैट में हम लोगों को केस लॉज पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको केस मैट के केस लॉज ही लिखने होते हैं। तो अब रिविज़न का टाइम बहुत ही कम है और एग्ज़ाम चूँकि स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी केस लॉज हैं सारे केस लॉज को आप उसके नेम जो हैं वो एक पेज पे लिख लें और शॉर्ट नोट्स बनाकर किस केसेस में कौन सा थ्योरी है या फिर उस केस का फैक्ट, इशू, जजमेंट क्या है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम में आप जब जाएँ तो पहले से आपकी प्रिपरेशन रहे। मतलब कि मैं चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि एग्ज़ाम में आप चीट लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में बहुत आसान होता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और केस मैट से या फिर नोट्स से आप, मेरे नोट्स से आप रिवीजन करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो अगर आप अपने से शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, केसेस के नेम लिख के रखेंगे और उस नेम में क्या क्या है बस शॉर्ट्स में लिख के रखेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको याद रहेगा। तो तुरंत पढ़ें और एग्ज़ाम में इंटर करें, और जैसे ही इंटर करते हैं क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस लिखें लगेंगे वो तुरंत आप सबसे लास्ट पेज में लिख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये केस लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये केस लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये केस लगेगा, तुरंत लिख लें ताकि बाद में आप भूलें नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप भूलने लगते हैं केस लॉज को। तो अगर आप पहले से ही लिख के रखेंगे क्वेश्चन आंसर शीट के लास्ट में, तो आप भूलेंगे नहीं और केस के नाम याद रहेगा, तो लिखने में भी आसानी होगी। और ये पूरी तरह से फेयर भी है, क्योंकि आप कोई चीटिंग भी नहीं कर रहे हैं और चीटिंग करना भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप पेंसिल लेके जाएं और लास्ट पेज पर केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 केस कौन सा लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 केस कौन सा लगेगा, इस तरह से आप पेंसिल से लिख लें और बाद में जब आप पूरा आंसर लिख लें रबड़ से आप मिटा भी सकते हैं और वहाँ पे जो है आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको ये गाइडेंस हेल्प करेगी एग्ज़ाम में, बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो नोट्स अवेल कर सकते हैं, मैंने सारे सेमेस्टर के हैंड रिटेड नोट्स बना के रखे हैं जो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप मेरे नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन आउट कर दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से व्हाट्सएप करके नोट्स अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।